हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा विद अनीस अजय में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राची देसाई की सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, इनकी पहली फिल्म आई थी रॉक ऑन, फिल्म में नजर आए थे फरहान अख्तर। फिल्म 2008 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, इनकी अगली फिल्म आती है लाइफ पार्टनर, फिल्म में नजर आए थे गोविंदा। यह फिल्म 2009 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, इनकी अगली फिल्म आती है वंस अपॉन टाइम इन ए मुंबई, इस फिल्म में नजर आए थे अजय देवगन। 2010 में रिलीज हुई यह फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, अगली फिल्म आती है तेरी मेरी कहानी, शाहिद कपूर के साथ यह फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, अगली फिल्म आती है बोल बच्चन, अजय देवगन के साथ यह फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, अगली फिल्म आती है आई मी और मैं, रीमा सेन के साथ यह फिल्म 2013 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, अगली फिल्म आती है पुलिस ग्रीस, संजय दत्त के साथ यह फिल्म 2013 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, अगली फिल्म आती है एक विलन, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ यह फिल्म 2014 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, अगली फिल्म आती है राजा नटवरलाल, इमरान हाशमी के साथ यह फिल्म 2014 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, इनकी अगली फिल्म आती है अजहर, इमरान हाशमी के साथ यह फिल्म 2016 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, इनकी अगली फिल्म आती है रॉक ऑन 2, फरहान अख्तर के साथ यह फिल्म 2016 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों,